वर्षों से चले आ रहे जमीनी विवाद और आपराधिक रंजिश के कारण गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबीरुद्दीनपुर गांव में एक युवक का गला धड़ से अलग कर दिया गया। इस निर्मम हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मच गया। चीख पुकार की आवाज़ सुन आसपास के लोग भी डरे सहमे नजर आए। सूचना पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा, जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र भी मौके पर पहुंच गए। इस मामले में जिलाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्कालीन लेखपाल जगदीश यादव को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही तत्कालीन राजस्व निरीक्षक मुनीलाल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शासन को रिपोर्ट भेज दी है। आपको बता दें कि उक्त गांव में दो पक्षों में ग्राम समाज की जमीन को लेकर वर्षों से विवाद चला आ रहा है, जिसका मुकदमा सिविल कोर्ट में विचाराधीन है। बुधवार की सुबह रामजीत का पुत्र अनुराग दातून तोड़ने के लिए निकला था। इस दौरान पहले से ही खार खाए बैठे रिटायर्ड कर्मचारी से उसका विवाद हो गया। रिटायर्ड कर्मचारी ने धारदार हथियार निकाला और युवक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। घटनास्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई। इधर डीएमएसपी भी मौके पर पहुंच गए हैं। अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया कि इस दुख की घड़ी में प्रशासन परिवार के साथ है और न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध है। इस घटना को जिसने भी घटित किया है उसको कठोरतम दंड दिलाया जाएगा। आरोपी को उकसाने वालों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरे प्रकरण की मजिस्ट्रियल जांच के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त और राजस्व को नामित किया गया है तथा 3 दिन के अंदर घटनाक्रम की जांच करते हुए आख्या रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा सके। एसपी डॉक्टर अजयपाल शर्मा ने कहा कि आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।